सिर्फ राजनीति हो रही है धर्म की, इसके अलावा कुछ नहीं है। इलेक्शन का टाइम आएगा, मंदिर उठेगा, मस्जिद उठेगा, इसके अदरवाइज कोई वर्कर नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा इस तरीके का बस। और जितना भी आजकल के टाइम में ये मंदिर मस्जिद हो रहा है, और उसमें ये जो आजकल की पब्लिक है, इनको बहुत ज़्यादा देखना पड़ रहा है हमको कि हम लोग किसको वोट देंगे, हमें भी नहीं पता है हम किसको वोट देंगे। पर हमारे माइंड में इस तरीके से मीडिया दिखाता है कि हमको फोकस इसकी तरफ करना है। आजकल मीडिया का बहुत सबसे बड़ा जो है हाथ है वो मीडिया का है, बस उसी को दिखाना है कि वो बीजेपी बीजेपी बीजेपी, अदरवाइज वो कांग्रेस कांग्रेस ऐसा कुछ नहीं है। बस जिसका पल्ला भारी है इंसान उसी की तरफ झुक जाएगा। मोदी सरकार में जब से संत अपने 14 से आए हैं, इन्होंने हमारे जितना भी हमारा एम्बॉडी का काम था सर, बिल्कुल फेल हो चुका है, बिल्कुल फेल हो चुका है, कुछ भी नहीं है। जो यहाँ का काम है बस यहीं हो रहा है, दिल्ली का काम पंजाब का काम कोई यहाँ पे अब नहीं आ पा रहा है, इतना काम ही नहीं हो रहा है इंसान। और ऊपर से GST वगैरह टैक्स लगा दिया है, वो कपड़ा टैक्स पे इतना लगा दिया है, लकड़ी का टैक्स पे इतना लगा दिया है, तो फर्नीचर का काम उससे बंद हो गया है, कपड़े पर टैक्स लगा दिया है, तो कपड़े का इंसान अब खरीदेगा ही नहीं तो बनाएगा कहाँ से। पहली बात तो यही है। बस मैं सर यही कहना चाहता हूँ कि अब जो सरकार आए 19 में, वो हम पे ध्यान दे, जो पढ़े लिखे हैं उनके ऊपर ध्यान दे। अच्छा काम क्या वैसा, यही गैस सिलेंडर वगैरह का अच्छा काम है, और क्या है बाकी हम लोगों के लिए तो आप खुद ही जानते हो, हमें तो यही करना है भाई साहब। हमारे लिए तो खैर कोई भी काम सही नहीं, मगर जनता के लिए सही करेंगे। रोजगार हो गए ये अच्छा काम है, समझे। और ज़्यादातर लोग पब्लिक जो है वो परेशानी है, और जो छोटे मोटे बेचारे कारोबारी थे उनका कारोबार ख़त्म हो चुका है। बाकी इतनी टेंशन ज़्यादा दे दी है कि जो कम पढ़ा लिखा है वो तो व्यापार कर भी नहीं पा रहा है, और जो बड़े लोग हैं उनके लिए फिलहाल ठीक भी होगा। हम तो कांग्रेस को वोट देने वाले हैं भाई। चौकीदार चौकीदार ही होता है यार, वो क्या करेगा यार, उसको तो रात में चौकीदारी करना और क्या करना है। बाकी कारोबार तो हमें करना है अपना, जो हमारे कारोबार नहीं हो तो क्या कर सकते हैं इसमें आगे। चौकीदारी क्या यार, वो तो नाइट में आया चला गया। तो क्या लगता है आपको इस बार भी मंदिर मस्जिद मुद्दा रहेगा? ये तो बेकार वाली बात है यार, आदमी कह रहा है बेकार मस्जिद मंदिर वाली बात, वो तो जिसका है वो तो वो जाने जो सरकार करेगी, हमें तो अपना देखना है। अब जब हमारे काम काज नहीं, हमारे बच्चे नहीं खा पाए पी पा रहे हैं, तो हमारे लिए क्या फायदा सरकार से भी यार। जाने वाला है कांग्रेस को वोट देंगे भैया हम। क्यों? बढ़िया इंसान है यार, सब काम बढ़िया है वो। बहुत बढ़िया काम कर रहा है उनने करा यार, जैसे हर काम बढ़िया कर रहे हैं। कांग्रेस को वोट हमारे पूरा परिवार देगा यार। ये हम तो बीजेपी के वाले बीजेपी वाले हैं भाई। देखो एक तो लोन दे रहे हैं, हमारे लिए यही फ़ायदा बहुत है गरीब आदमी के लिए, और क्या हमारा टायर पंचर का गांव है। आपको मिला लोन? नहीं हमने लिया नहीं है अभी मगर ऐसा है कि लोन गरीबों को दे रहे हैं ना, तो इतना ही बहुत है ना भाई। हम कांग्रेस और हम लेंगे जब जरूरत होगी, हम ले भी लेंगे। कांग्रेस को जिताएंगे भैया, कांग्रेस को वोट डालेंगे। कांग्रेस को क्यों वोट देने वाले हैं? अरे हम मजदूर आदमी, हम कांग्रेस के टाइम पे बेरोजगारी नहीं थी, ठीक है, काम रोजगार बहुत था। अब तो काम बीजेपी की सरकार काम रोजगार है ही का, बेड़ा गर्क कर दिया ने काम रोजगार का, हुआ नहीं हुआ सब बेकार की बात है। जरी का काम इतना होता था, हर घर में गरीब से गरीब आदमी का पेट पलता था, वो सब काम बंद हो गया है। कांग्रेस को देखिए साहब, वोट के तो कुछ नहीं कह सकते हम कि किसकी तरफ ये भाग जाग जाए, कौन निकल जाए, मगर हाँ ये है कि हो सकता है मोदी जी का जो है ज़्यादा अभी भी मार का है, ये वोट डालने की संभावना है। ये तो गलत फहमी है कि लोग गलत समझते हैं कि ऐसा है व्यापार नहीं है, कि व्यापार ख़त्म हो गया है, ये तो भूल है। GST लगी है तो GST उन्होंने किसी गरीब आदमी पर थोड़ी लगा दी, बताइए आप। गरीब आदमी तो आज भी भई हैं, पैसे वाला देता था, टैक्स भरता था, आज वो उन्होंने GST जो लगाई है उन्होंने गलत नहीं लगाई है अपनी जगह पर। करता कारोबार नहीं है फिलहाल, हल्का है बहुत, मद्दा तो मेरे देश में नहीं हर देश का मद्दा छा हुआ है। तो इस बार आप मोदी जी को सपोर्ट करने वाले हैं? बिल्कुल। पल्ला भारी आने वाला है? पल्ला भारी तो भाई BJP का लग रहा है मुझे, देख दो क्यों यूँ लग रहा है कि हर आदमी BJP की गीत गा रिया, जिसकी देखो BJP, जिसकी देखो BJP। अब भाई फाइनली तो ऊपर।